तो दोस्तों आज हमारे पास में है ब्रोदर का ये प्रिंटर जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो DCP L2541। और ये एक बहुत ही शानदार प्रिंटर है और इसका मैं अभी टेस्ट प्रिंट निकालने वाला हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको पता लग ही जाएगा। तो दोस्तों इसकी प्रॉब्लम ये आ रही है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों आप ये लाइनिंग देख सकते हो यहाँ पे कितनी लाइनिंग आ रही है आप यहाँ पे आपको पता लग ही जाएगा। इस तरफ कैसा प्रिंट है और इस तरफ कैसा है यहाँ पे कैसा आ रहा है। और ये लाइनिंग कई बार बहुत ज़्यादा आती है और फोटोकॉपी में तो और ज़्यादा आती है। मैं एक फोटोकॉपी आपको निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं फोटोकॉपी के अंदर और यहाँ पे हम देते हैं फोटोकॉपी इसकी। और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे फोटोकॉपी में तो हालत ख़राब हो गई इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाइनिंग आ रही है ये इस कदर आ रही है कि अगर आपको कोई फोटोकॉपी अपना डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट निकालना होता है तो वो आप नहीं निकाल पाते हो। और इस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आती है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और देखिए कि किस तरीके से हम इस वीडियो को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस प्रिंटर को सही करेंगे, जो ये हमारी प्रॉब्लम है लाइनिंग वाली इसी को भी सॉल्व करेंगे और ये बहुत आसान है। और कहाँ प्रॉब्लम है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो प्रॉब्लम है वो सारी इसके कार्ट्रिज के अंदर आ रही है, प्रिंटर में नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम प्रिंटर में नहीं आती है। और ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मैंने अपनी कार्ट्रिज निकाल ली है, आप इसको इस तरीके से खोल सकते हो और आप यहाँ पे खुद देख सकते हो दोस्तों जो प्रॉब्लम है आपको दिखाई देगी। यहाँ पे लाइनिंग, ये जो लाइनिंग है यही हमें डिस्टर्ब कर रही है। अब ये लाइनिंग या तो इस डेवलपर के ऊपर है या फिर इस ये जो ब्लेड है डेवलपर ब्लेड इस पे है, दोनों में से किसी एक पे है और उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसको पहले चेक करेंगे, इसको साइड में रख लेते हैं 1 मिनट को और अब इसको खोलते हैं। हम पूरे को खोलना होगा, फटाफट खोल लेते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों डेवलपर को खोलने के लिए हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड से इनको इसको खोलना होगा। तो पहले ये कर लेते हैं हम काम, यहाँ पे 1 2 3 स्क्रू देखने को मिलेंगे, तीनों खोलने होंगे। दोस्तों अगर आपके सब खुल भी जाए गियर वगैरह तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब फिट हो जाएंगे। और कैसे फिट होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक लॉक है जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस लॉक को आपको हटाना होगा। कुछ ऐसे पेचकस चाहिए आपको, नुकीला और पतला हो आगे से, इस तरीके से इसको हटाना होगा। और उसके बाद हमें इसको निकालना होगा जो कि यहाँ पे लॉक है इसका। दोस्तों इसका डेवलपर निकालना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स खोलने पड़ते हैं। इस तरीके से इसको निकाल लेंगे और आपको थोड़ी सावधानी से निकालना होगा, ज़्यादा स्क्रेचेज नहीं होने चाहिए। तो पहले हम डेवलपर को साफ करके देख लेते हैं कि लाइनिंग इसके ऊपर है या ब्लेड के ऊपर है। तो दोस्तों डेवलपर पर मुझे कुछ लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे, लेकिन इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट मैं दोनों चेंज करना चाहूँगा, या तो मैं डेवलपर को साइड में रख देता हूँ और इसकी ये जो ब्लेड है इसको खोल लेते हैं, जिसके यहाँ पे स्क्रू है 4, यहाँ पे है 2, ऊपर है, सबको एक साथ खोल लेता हूँ। ब्लेड खोलने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू और 2 ऊपर है, इनको सबको खोल लेता हूँ मैं एक बार फटाफट से। तो दोस्तों हमारी ब्लेड 2 पार्ट में खुली है इस तरीके से। अब इसको हम थोड़ा सेफली साइड में रख देते हैं सीधा, क्योंकि इसके उसके अंदर इंक भरी पड़ी है। और इसको हम एक बार साफ़ करके देखेंगे और चेक करेंगे कि इस पे कहाँ लाइनिंग आई हुई है और किसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये वाली लाइनिंग आ रही है, इसी की वजह से प्रॉब्लम कर रहा था ये। अगर इसको हम साफ़ करके लगाएंगे तो भी ये वापस दिक्कत करेगा, तो हम यहाँ पे ब्लेड पूरी चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे बार बार इंक इकट्ठी हो रही है और ये इंक यहाँ पे जम रही है। अगर आपके पास फ़िलहाल कोई
डेवलपर या फ्लैट नहीं, तो आप इसको एक बार यहाँ से साफ करके इस तरीके से और काम में ले सकते हो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये दिक्कत तो आएगी, आपको ब्लेड चेंज तो करनी ही पड़ेगी। आप एक बार इसको इस तरीके से साफ करके भी काम में ले सकते हो, बट अगर आपके पास है दूसरे ब्लेड तो आप चेंज ही कर लो मेरी मानो। तो मैं इसको अभी साइड में रखूँगा और मैं नई ब्लेड लेके आता हूँ और नया डेवलपर लेके आता हूँ, दोनों को हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये है मेरे पास नई वाली ब्लेड। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, जहाँ हमारे पास ब्लेड यहाँ तीन पार्ट में आती थी, वो यहाँ पे अब जो डुप्लीकेट इसकी ब्लेड आ रही है वो एक ही पार्ट में आ रही है, और जो ओरिजिनल इसके साथ वाली आती थी ये इस तरीके से तीन पार्ट में आती थी। तो यहाँ इन सबको हटा के हमें एक ही पार्ट में इसको ऐड करना होगा और इसको लगाना होगा सावधानी से, इन सबको हटा देना है हमें यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे इसके स्क्रू लगा देते हैं हम इसके। अब दोस्तों ब्लेड को हमने फिट कर लिया है, इन ब्लेड को साइड में रख लेते हैं और अब डेवलपर को हम लगा लेते हैं वापस। तो थोड़ा सा डेवलपर को हम साफ कर लेते हैं, वैसे तो नया ही है ये, और ये पुराना वाला डेवलपर है और ये नया वाला है, फर्क देख सकते हो आप खुद। दोस्तों इसका जो ये वाला लॉक है ये इसमें लगाना होगा हमें, इसको निकालना होगा यहाँ से, सावधानी से निकालना दोस्तों, गुम न जाएगी। और ये लगेगा आप एक प्लास की मदद से। तो दोस्तों इस तरीके से इसको रख के यहाँ पे और प्लास से दबाना होगा। ध्यान रखना है डेवलपर पे प्लास नहीं लगनी चाहिए, वरना आपका डेवलपर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे काम थोड़ा सावधानी का हो जाता है। और अब हमें डेवलपर को लगाना होगा, थोड़ा एक बार वापस साफ़ कर लेते हैं इसको। दोस्तों अगर आप इसको ज़्यादा सावधानी से लगाना चाहते हो तो आप इसको भी खोल लो, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ होगा, इसको खोल लो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। अब आप आसानी से डेवलपर लगा सकते हो इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इस तरफ का ये पार्ट लगाना है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसी पार्ट को यहाँ पे लगाना होगा जो कि कुछ इस तरीके से लगेगा, बस ये लग गया। और यहाँ पे एक और लॉक ये लगाना होगा और यहाँ पे एक स्क्रू लगाना है हमें जो कि हम लगा लेते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी साइड में, यहाँ पे हमें सारे गियर्स वगैरह लगाने हैं और ये अब हम लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी ध्यान से देख लो, ताकि आप कहीं अटको नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लगाएंगे हम, जो कि इस तरीके से यहाँ पे लगेगा और इसका लॉक है, यहाँ पे लॉक लग जाएगा इसका। चलो इसका काम हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे इस वाले गियर को लगाना है जो कि घूम के इसके अंदर लगा देंगे। एक ये गियर है, एक यहाँ पे एक छोटा वाला गियर और है। सारे कनेक्टेड हो गए एक दूसरे से। यहाँ पे हमें इस स्प्रिंग को भी लगाना होगा यहाँ पे, और अब एक गियर इसके अंदर है वो यहाँ पे डायरेक्ट फिट हो ही जाएगा। एक ये वाला लॉक हम यहाँ पे लगा देंगे। सॉरी दोस्तों, पहले वो वाला लगेगा लॉक इस तरीके से, अब इसके ऊपर ये वाला लगेगा, यहाँ पे वो नीचे जाता है। अब यहाँ पे हम तीन स्क्रू लगा देंगे इसके, एक दो और यहाँ पे एक तीन।
तो दोस्तों अच्छे तरीके से फिटिंग हो गया, मैं एक बार इसकी साफ़ सफाई कर लेता हूँ, फिर इसको हम ड्रम यूनिट के अंदर लगाएंगे और प्रिंट आउट हमारा वापस चेक करेंगे। तो एक बार मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ड्रम यूनिट ये हमारे पास है, अब इसको हम डायरेक्ट इसके ऊपर लगा देते हैं और अब प्रिंटर में हम इसको लगाएंगे। अब हम इसका टेस्ट प्रिंट निकालेंगे एक और देखेंगे क्वालिटी कैसी आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रिंटर हो जाता है एकदम रेडी, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं लाइट कम करके आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आप पेपर की क्वालिटी देख सकते हो प्रिंट की, और यहीं पे हम फोटोकॉपी निकाल के चेक करेंगे वापस से एक बार फोटोकॉपी कितनी क्लियर आती है। और दोस्तों ये देख सकते हो फोटोकॉपी कितनी क्लियर आई है, एकदम शानदार, जिसको बोलते हैं जो था नेचुरल। ये वाली लाइनिंग इसके अंदर नहीं है दोस्तों, ये इसमें आ रही है, यहाँ पे है वही यहाँ पे आ रही है। तो ये प्रिंट की क्वालिटी नहीं है, ये फोटोकॉपी की वजह से आ रही है, ऐसा ही पेपर था इसलिए, वरना आप टेक्स्ट की क्वालिटी और यहाँ पे हर चीज़ देख सकते हो। लेवल 0 से स्टार्ट होता है तो ब्लैक पूरा आ रहा है यहाँ पर, और टेक्स्ट छोटे वाले कैसे दिख रहे हैं, बड़े वाले कैसे दिख रहे हैं, आप हर चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रिंटर एकदम रेडी हो जाता है। अब जो काम की बात बताने वाला हूँ उसको आप सुन लीजिए एक बार। तो दोस्तों आपके प्रिंटर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो और इस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हो उसको, तो दोस्तों आपको ये दो पार्ट चेंज करने होंगे। और अगर आपका आपके अगर एक ही पार्ट खराब है तो आप उसको एक को ही चेंज कर सकते हो। प्रिंटर हो गया एकदम रेडी, और इसको करने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही कोई 300-400 रुपये तक का खर्चा आएगा। कहाँ मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेजोन से आप इसको मंगवा सकते हो। बहुत ही सही प्रोडक्ट लगा मुझे ये, और बहुत शानदार सर्विस है इसकी, और मैं काफ़ी टाइम से इनको यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो मैं लिंक दे रहा हूँ आप उसी को परचेज कर सकते हो। और ये प्रिंटर था हमारा ब्रदर का, और दोस्तों ये बहुत शानदार प्रिंटर है वैसे तो, इसमें ज़्यादा कुछ खराब होता नहीं, पार्ट्स होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेड खराब होती है, ड्रम तो खराब होना मुश्किल काम है। फिर भी मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को घर बैठे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस प्रिंटर की वीडियो में था इतना ही सब कुछ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत कट लगते हैं वीडियो में, क्योंकि वीडियो बनाते समय मैं जो शॉप में बैठता हूँ, ये शॉप रोड के बाहर है, तो यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ आती है टाइम टू टाइम, और उनकी वजह से बार बार मुझे कट लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वीडियो रेडी होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इसी तरह के कॉन्टेंट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक पे या किसी नई जानकारी के साथ में। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।